सो है गाइस, दिस इज़ फ्लाइंग कैरावेंस एंड मैं हूँ पल्लव, आपका दोस्त। सो आज है RC390 का वीडियो, फाइनेंस रिलेटेड। तो RC390 का जो फुटेज है वो तो मैं अभी नहीं लेके आ सकता, क्योंकि सब कुछ बंद है लॉकडाउन की वजह से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शोरूम्स बंद है, सब कुछ एकदम बंद है। एंड बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, घर पर रहना चाहिए। आई होप आप सब भी घर पर होंगे, अभी सेफ होंगे। तो RC390 का वीडियो मैं आज ऐसे बनाऊँगा। तो मैं आया हूँ छत पे, बज रहा है सुबह के 6 के थोड़ा बाद, मतलब 6:30 बज रहा होगा। तो RC390 का फुटेज मैं आपको ला दूँगा वॉक अराउंड, उसके साथ एग्जॉस्ट साउंड मैं आपको सुना दूँगा ज़रूर। एंड पता नहीं क्वालिटी कैसा आ रहा है वॉइस का, क्योंकि कैमरे का जो स्टॉक माइक है उससे मैं शूट कर रहा हूँ। एक्सटर्नल माइक अभी मैं ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि अमेज़ॉन का जो सर्विस है पूरा एकदम बंद है। हर एक चीज़ जो मतलब ये लॉकडाउन का रिलेटेड नहीं है, वो सब कुछ टेम्पोरारीली अनअवेलेबल करके रखा है अमेज़ॉन ने। तो वो एक बार ठीक हो जाए फिर मैं ज़रूर ऑर्डर कर दूंगा। तो थोड़ा सा और क्वालिटी अच्छा हो जाएगा वीडियो में, वॉइस क्वालिटी। तो RC390 का प्राइस 298,000। एंड मैं बहुत दिन से ऐसे सोच भी रहा था गाइस कि थोड़ा सा ऑन कैमरा आके बात करूँ, क्योंकि आप बहुत दिन से देख भी रहे हो दी फ्लाइंग कैरावेंस को, लेकिन उतना मतलब पर्सनल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि सामने से ऑन कैमरा मैं उतना आता नहीं हूँ, ऑन कैमरा के बात नहीं करता हूँ, तो आप भी मुझे उतना देखते नहीं हो। तो पर्सनल एक कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे फैमिली हो। तो मुझे लगता है अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड रहना चाहिए। एंड जब तक आप मेरे फेस नहीं देखोगे, आपसे मैं ऐसे डायरेक्ट ऑन कैमरा आके इंटरेक्ट नहीं करूँगा, तब तक कैसे होगा। तब तक तो मतलब ये ना करूँ तो नहीं होता, अच्छा बॉन्ड नहीं बनता। तो ऐसे मैं ऑन कैमरा आके भी थोड़ा सा बात करूँगा। एंड फेस देखने से मतलब सिर्फ वॉइस सुनने से अच्छा है एक बंदे का फेस देख के फिर उस बंदे का वॉइस सुनना, थोड़ा सा बिलीफ बनता है कि हाँ यार एक है बंदा। वरना सिर्फ वॉइस तो कंप्यूटर भी दे देते हैं, है ना। अल्टीमेटली आपको कोलकाता में 2,96,000 से लेके 3,00,000 इसके बीच में देखने को मिलेगा। एंड अकॉर्डिंग टू MS बजाज नैहाटी, मतलब नैहाटी KTM, उनके अकॉर्डिंग 298,500 में आपको ये ऑन रोड एकदम मिल जाएगा अगर आप कैश में लोगे। तो बहुत सारे लोग तो कैश में नहीं ले सकते, क्योंकि 3,00,000 उतना कम भी अमाउंट नहीं है, थोड़ा सा अच्छा अमाउंट है, अच्छा खासा अमाउंट है। तो थोड़ा सा सेव करने में भी टाइम लगता है, एंड थोड़ा सा स्टाइल भी मारना है, KTM भी लेना है। एंड पता नहीं कब तक 3,00,000 रुपये पूरा जमा होगा, फिर लेंगे, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। इसलिए फाइनेंस सबसे अच्छा होता है, मेरा मानना है 50% फाइनेंस अगर आप कर लो तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अभी आपका जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको कोई छेड़छाड़ ना करके बस थोड़ा थोड़ा करके पैसे देते जाओ, सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो मैं वो भी बताऊंगा, 20% 50% 80% डाउन पेमेंट दे के अगर आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए लोगे तो कितना आपका EMI आ सकता है आपका। तो उस तरह से आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो एंड बाइक के बारे में सोच सकते हो। अगर आपका RC390 अच्छा मतलब पसंद है तो ये वीडियो देखना, मैं ज़रूर क्लियर कर दूंगा, ताकि जब आप लेते टाइम आप लेने जाओगे तो आपको हेल्प मिले। तो पहला जो 20% डाउन पेमेंट है 59,700 रुपीज़, तो ये अगर आप दे दोगे 20% डाउन पेमेंट है तो आपका जो EMI होगा 22,040 रुपये, 2 साल के लिए होगा 12,090 रुपये एंड 3 साल के लिए होगा 8,873 रुपये। ये होगा हो गया 20% डाउन पेमेंट का। अब है 50% डाउन पेमेंट, 1 साल के लिए होगा 13,774 रुपये, 2 साल के लिए 7,556 एंड 3 साल के लिए 5,483 रुपये। ये 50% चला गया, ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है 80% डाउन पेमेंट, 1 साल के लिए 5,510, 2 साल के लिए 3,023 एंड 3 साल के लिए 2,194। तो ये गया इसका जो है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने मतलब दे के रखा है। तो वॉइस सुनते सुनते अगर थोड़ा सा मिस हो जाए तो स्क्रीन में आप देख लेना, वॉइस सुनते सुनते तो मैच हो जाएगा। तो ये गया इसका EMI का वीडियो। इसका जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है 10.75%, जो कि एक एवरेज 10 पॉइंट मतलब रेट ऑफ़ इंटरेस्ट है, जो कि हर बैंक एंड NBFC प्रोवाइड करता है। आप कौन से स्टेट से हो, आप कहाँ से लोन ले रहे हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आपका इनकम सोर्स कितना है, आपका मतलब इनकम प्रूफ आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्स भी लगता है, मिनिमम आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये लगता है, पासबुक का जेरोक्स लगता है। आप जॉब करते हो तो आपका जो सैलरी स्लिप है वो लग सकता है,
कहीं कहीं पे नहीं लगता, कहीं कहीं पे लगता है। एंड बिजनेस करते हो तो आईटी फाइल मतलब इनकम टैक्स फाइल ये लगता भी है, तो आप कॉल कर लेना। एमएस बजाज का नंबर, ओनर का नंबर मैं इस बार दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, ओनर बहुत ही कोऑपरेटिव है, तो आप उनसे बात करना, उनसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना कि कैसा स्कीम आपको मिल सकता है, उस हिसाब से आप अपना जो है कर सकते हो। आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना RC390 आपका कैसा है, मतलब अच्छा लगता है या नहीं बाइक, RC390 अच्छा है या उस प्राइस में RR310 आपको अच्छा लगता है, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे और एक वीडियो में, ऑलवेज थिंक हाई, फ्लाई हाई एंड गॉड ब्लेस यू।